चलो देखो इधर पैटर्न वाला फिर से बता रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से समझना। ठीक है, क्या प्रिंट करना है हम लोग को? ऐसा ठीक है, ऐसा हम लोग को प्रिंट करना है। ठीक है, अब यहां पे क्या फंडा है इसका? यहां पे रोज कितने हैं? पांच रो है। ठीक है, ये रो वन, रो टू, रो थ्री, रो फोर और रो फाइव। ठीक है, पांच रो हमें बनाने हैं। कितना रो बनाना है? पांच रो बनाना है। ठीक है, और कॉलम कितने हैं इसमें? हर एक रो में पांच कॉलम है। पहला स्टार मतलब पहला कॉलम, ठीक है, दूसरा स्टार मतलब दूसरा कॉलम, तीसरा स्टार मतलब तीसरा कॉलम, चौथा स्टार मतलब चौथा कॉलम और पांचवा स्टार मतलब पांचवा कॉलम। ठीक है, तो पांच सितारे प्रिंट होंगे हर एक रो में। ठीक है, आया समझ में? अब देखो यहाँ पे हम लोग इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए दो लूप का यूज करेंगे। ठीक है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप मतलब नेस्टेड लूप का हम लोग यूज करेंगे। फर्स्ट वाले लूप से हम लोग क्या करेंगे? रो क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे? रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। ठीक है, तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? कहाँ से कहाँ तक चलेगा? वन से लेके फाइव तक, वन टू थ्री फोर और फाइव। समझ में आया इतना? ठीक है, अब फर्स्ट रो की बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो मतलब यहाँ पे ऐसे इमेजिन करके चलो, फर्स्ट लूप की वैल्यू आई है। ठीक है, क्या है? आई। ठीक है, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलने वाली है? वन से लेके फाइव तक। ठीक है, वन से लेके फाइव तक। ठीक है, सब इमेजिन करते रहना, मैं यहाँ लिख के नहीं बताऊंगा। ठीक है, आया समझ में? और अंदर वाला लूप मतलब वो भी कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? वन से लेके फाइव तक चल रहा है। ठीक है, वन टू थ्री फोर और फाइव। ठीक है, चालू करें? चलो ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, void main चलो। ठीक है, मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ। सबसे पहले int i कॉमा j, दो ही वेरिएबल लगेगा। चलो देखो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे। ठीक है, हम लोग लिखेंगे फॉर लूप। क्या लिखेंगे? फॉर लूप। ठीक है, इस फॉर लूप के अंदर हम लोग दूसरा फॉर लूप बनाएंगे। ठीक है, तो ये किस टाइप का लूप बन जाएगा? नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, फर्स्ट वाला फॉर लूप जो होगा वो किसके लिए होगा? रोज के लिए। ठीक है, रोज मतलब जो यहाँ पे हम लोग का पांच रो बना है, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक लूप ले लिए। लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? वन टू फाइव चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ i इक्वल टू वन, i इज लेस देन इक्वल टू फाइव, फिर उसके बाद i प्लस प्लस। ठीक है, क्लियर? लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? वन से लेके फाइव तक चल रहा है, मतलब पांच बार लूप चलेगा। ठीक है, अब अंदर वाले लूप में आते हैं। यहाँ मैं वेरिएबल लेता हूँ j। ठीक है, j इक्वल टू वन, j इज लेस देन इक्वल टू फाइव, j प्लस प्लस। ठीक है,
और हम लोग को क्या प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ डबल कोट्स के अंदर क्या देता हूँ, एक स्टार दे देते हैं, ठीक है। एक स्पेस दे दिया मैंने यहाँ पे और स्टार यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझो इसको, आई इक्वल टू वन, ठीक है, लूप स्टार्ट हुआ आई इक्वल टू वन, ठीक है। आई इक्वल टू वन के लिए अंदर वाला लूप कितने बार चलेगा, पांच बार चलेगा, ठीक है। आई इक्वल टू वन है अभी, ठीक है। फिर जे की वैल्यू वन से स्टार्ट होगी, वन के लिए लूप चलेगा और एक बार स्टार प्रिंट करेगा। आया समझ में, वन के लिए लूप चला, जे इक्वल टू वन है अभी, और क्या प्रिंट किया, स्टार प्रिंट किया, ठीक है। एक सितारा प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, अब जे की वैल्यू क्या हो गई, टू हो गई, ठीक है। एक और स्टार प्रिंट किया, कितने स्टार प्रिंट हो गए, दो स्टार, ठीक है। फिर वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, फिर जे की वैल्यू क्या हो गई, थ्री हो गई, ठीक है। फिर एक स्टार प्रिंट किया, कितने स्टार प्रिंट हुए, तीन स्टार, ठीक है। फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और जे की वैल्यू हो जाएगी फोर, ठीक है। एक और स्टार प्रिंट करेगा, अब कितने स्टार प्रिंट हो गए, चार, ठीक है। फिर वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू क्या हो गई, फाइव हो गई, ठीक है। पांचवा स्टार प्रिंट किया, ठीक है, पांच बार लूप चल गया। फिर उसके बाद जे की वैल्यू सिक्स होगी और कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हुआ, मतलब ये वाले लूप का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब किसकी बारी आई, इंक्रीमेंट की, आई इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी, ठीक है। टू के लिए अंदर वाला लूप कितने बार चलेगा, पांच बार फिर से चलेगा। आया समझ में, पांच बार चलेगा और पांच बार फिर से स्टार प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर ये लूप का काम खत्म, फिर से इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री हो गई, ठीक है। फिर से लूप चलेगा, कितने बार चलेगा, पांच बार लूप चलेगा और पांच स्टार फिर से प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर से वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, फोर हो गई, ठीक है। फोर के लिए फिर से पांच बार चलेगा, फिर से पांच स्टार प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा और आई की वैल्यू हो जाएगी फाइव, ठीक है। फिर से पांच बार स्टार प्रिंट करेगा, पांच रो हो गई, पांच कॉलम हो गए, ठीक है। तो अब ये बताओ कि बाहर वाला लूप कितने बार चला और अंदर वाला लूप कितने बार चला, बाहर वाला लूप पांच बार चला, ठीक है, अंदर वाला लूप 25 बार चला, 25 टाइम्स चला, ठीक है, समझ में आया। जब हम लोग इसको, अब देखो यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, जैसे ये लूप खत्म होता है हम लोग को न्यू लाइन चाहिए, अलग अलग लाइन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ बैक स्लैश एन, ठीक है, न्यू लाइन हम लोग दे देंगे, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ पैटर्न 1.c, ठीक है, इसको हम लोग कंपाइल करते हैं, ठीक है, और रन कर देते हैं, ठीक है, प्रिंट हुआ, आया समझ में, कितने स्टार प्रिंट हुए, 25 स्टार यहाँ पे प्रिंट हो गए, ठीक है, आया समझ में। अगर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10, ठीक है, और यहाँ भी ले लेता हूँ 10, मतलब 10 रोज 10 कॉलम्स, ठीक है। तो कितने बार चलेगा लूप, 100 टाइम्स लूप चलेगा, ठीक है, आराम से बैठ के इसको काउंट करना, ठीक है, आया समझ में, आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अभी 5 ही रहने दो इसको, ताकि हम लोग को इजी पड़े, ठीक है। हम लोग रन टाइम पे भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आया। पैटर्न नंबर 1, इसको फोटो खींच लो, इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, सबसे पहले एक स्टार प्रिंट हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, सबसे पहले एक स्टार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। किसी के हाथ में मोबाइल नहीं दिखना चाहिए जब समझा रहा हूं तो, ठीक है। फर्स्ट रो में क्या हो रहा है, सिंगल स्टार प्रिंट हुआ, सेकंड रो में
दो स्टार प्रिंट हुआ, थर्ड रो में तीन स्टार प्रिंट हुआ, फोर्थ रो में फोर स्टार प्रिंट हुआ और फाइव फिफ्थ रो में फाइव स्टार प्रिंट हुआ। तो इससे क्या समझ में आया? ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम ठीक है। चलो यहाँ पे भी दो लूप लगेगा, नेस्टेड टू लूप लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया रोज के लिए, रोज कितने बनने वाले हैं? पांच रो बनने वाले हैं। ठीक है, और अंदर वाला लूप में कहाँ चेंजेस होगा? फाइव के जगह क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आई की वैल्यू वन होगी तो अंदर वाला लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? वन से लेके इस आई की वैल्यू तक चलेगा। ठीक है, तो हम लोग को आउटपुट कैसा मिलेगा? कहाँ एरर है? ठीक है, दिखा, समझ में आया लॉजिक कि नहीं आया? आ गया पक्का? ठीक है, पैटर्न नंबर टू। ठीक है, इसका फोटो खींच लो। क्या करेंगे इसमें? ड्राई रन करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, देखो इस लूप से क्या क्रिएट होगा? रो क्रिएट होगा। ठीक है, और ये वाले लूप से कॉलम्स क्रिएट होंगे। ठीक है, बनेगा तो ट्रायंगल ही बनेगा, पता है? ठीक है, बस स्टार के जगह हम लोग क्या प्रिंट करें? आई की वैल्यू प्रिंट करें। ठीक है, तो लूप स्टार्ट होता है, आई की वैल्यू होती है वन। आई की वैल्यू कितनी है? वन। तो यहाँ क्या पास होगा? वन पास होगा। तो जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? वन से लेके वन तक जाएगी। और किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा? आई की वैल्यू। ठीक है, आई की वैल्यू प्रिंट किया, लूप खत्म। ठीक है, फिर उसके बाद न्यू लाइन, मतलब नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, आई की वैल्यू वन से क्या हो जाएगी? टू हो जाएगी। ठीक है, अंदर वाला लूप कितने बार चलेगा? टू बार। ठीक है, दो बार चलेगा और किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा? आई की। आई की वैल्यू क्या थी? टू। टू कितने बार प्रिंट करेगा? दो बार। ठीक है, फिर उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी थ्री। ठीक है, थ्री हो गई, अंदर वाला लूप कितने बार चला? तीन बार चला। और कितने बार तीन प्रिंट किया? तीन बार तीन प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके फोर हो जाएगी, अंदर वाला लूप कितने बार चलेगा? चार बार। और चार चार बार प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो गई? फाइव हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद अंदर वाला लूप कितने बार चल रहा है? पांच बार चल रहा है। ठीक है, पांच बार पांच प्रिंट किया।
ठीक है, आया समझ में? तो देखते हैं करता है कि नहीं करता है। किया, सही आ रहा आउटपुट। ठीक है, पैटर्न नंबर थ्री। ठीक है, इसका फोटो खींच लो। हेलो, क्या काम कर रहे हो? क्या है ना, एक ही तो कंसंट्रेटर है, कंसंट्रेटर है क्या वो? और उसके साथ हम आ रहे हैं, अच्छा आपको चिल्लाएंगे बड़ा एंजॉय आए थे वो मिलाई थी ना उनका मैं हमारे फैकल्टी के डिपार्टमेंट में बोल के। नहीं नहीं वो एक मैथ कॉलेज का था। उनका नाम भी संजय ही था ना शायद? संजय मौर्य। अच्छा, आए थे क्या? तो उधर है ना सर, तो स्कूल में सर, तो कौन से स्कूल में है ना? काम से आए थे। बुलाते तो कभी नहीं आए, जिस दिन छोड़ के गए ना हम लोग कितने बार फोन किए होंगे। हाँ जी, मैंने किसी को प्रैक्टिकल आ रहे थे कुछ की प्रैक्टिकल था बीसीए में। जैसे ना मान लो कि स्टूडेंट्स नहीं है उनका लेक्चर है, खाली क्लास है, बैठे बैठे बच्चे वाली क्लास है, मैं बहुत परेशान हूँ एकदम। वो तो उनको काम ऐसे दे दो, मेरी क्लास में कुछ भी उठाएंगे नहीं कर दूंगा। उनको पता है ना क्लास नहीं बन सकते, क्लास खाली है तो अरे घुस के बैठते हैं पता ही नहीं चलता। क्लास है क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी वाले बैठा हुआ बात कर रही है, ताला लगा के आगे देखते संजय संजय प्रैक्टिकल कराते रहती हूँ डिस्कनेक्ट। तो तू ड्राइवर हो गया मेरा, वाइफ है मेरा, सुशील है ना, उसको कुछ करके इंस्टॉल करके दिया चार्जर लगाया हम चालू ही नहीं।